हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बार बार। और बाकी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वो लेक्चर और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, इतना बहुत है। बस आपको क्वालिफाइंग करना है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा नंबर लेके कुछ करना नहीं है ना, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग करोगे और जो भी ज़्यादा नंबर लेगा, बराबर वैलिडिटी दोनों की एक तरीके से मान्यता जो है वो मानी जाएगी कि आप क्वालिफाई। वो एक सर्टिफिकेट की तरह है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक तरीके से गेट है एंटर करने का। ओके, तो चलिए गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए जैसा, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो अगले पार्ट जो हम सारे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ले जो क्या बोलते हैं वेबसाइट पे है, आपको मिल जाएगी अभी तक के जो कितने पेपर हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है जो पेपर है। ओके, यहाँ पर डेट नहीं लिखी गई है, पर कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, मोस्टली जो है वो हिंदी के छात्र होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कार्य पत्रक यानी वर्कशीट। ओके, तो वर्कशीट में कक्षा के लिए स्तंभ अक्षर एवं पंक्ति संख्या के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसे कहा जाता है सेल रेफरेंस, यानी कोई वर्कशीट है। देखिए ये वर्कशीट है, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ। ओके, अब आपको पता होना चाहिए, तो इनको जो है रो बोलते हैं, ये रो है, और ये जो ये ऊपर से जो है वो कॉलम होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ABCDEF। तो ये हो गए हमारे कॉलम और ये हो गई रो। अब रो और कॉलम को मिला के नहीं, इनको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सेल भी दिया होता है, सेल रेफरेंस भी दिया होता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना, कहीं सेल से सिर्फ सेल जो है वो दे देते हैं। और अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पर देखिए आप अलग अलग दिए जाते हैं, सेल क्रॉस, सेल आइडेंटिटी नंबर, सेल आइडेंटिटी। सेल आइडेंटिटी होती है क्या बोलते हैं उसको, फाइंड करने के लिए किसी भी सेल को। और आप देख सकते हो ये नंबर होता है आइडेंटिटी का, जिससे जल्दी फाइंड हो जाता है किसी भी आप सर्च मार रहे हो। अगर आपने वर्कशीट देखी हो यहाँ पर, तो मैं आपको देखिए ये कोई वर्कशीट है, तो यहाँ पर होता है नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर ऊपर जो होता है नेम बॉक्स होता है, ये वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बार होता है, बाकी रो हो गई कॉलम हो गई ये होता है, और ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है वो स्क्रॉल बार होता है, और यहाँ पर जो है वो सीट नंबर दिया होता है, जो वर्कशीट होती है कौन से नंबर की सीट है तो यहाँ पर दी हुई होती है, जैसे सीट 1। ओके, बाकी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो एक्सेल बुक होती है उसका नाम डला रहता है, फाइल फाइल मिल जाएगी, होम मिल जाएगा, इंसर्ट, ये सब जो है यहाँ पर ऊपर दिए हुए होते हैं, रिबन हुई, तो ये सब जो है यहाँ पर दिए होते हैं। तो आप देख सकते हो, एक बार देख लेना तो आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि आप थोड़ा डायग्राम देखोगे उसे वहाँ पर देखोगे जो भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन एम एक्सेल प्रो ईच सीट्स इन ए वर्कबुक इज डिस्प्ले एज, यानी MS Excel में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य पुस्तक के प्रत्येक पत्र को द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रत्येक पत्र यानी आप किसी भी, देखिए ये वर्कशीट है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप टैप करोगे ना तो नेक्स्ट पर पहुँच जाते हो। अगर आपने कभी किसी पर फॉर्म भरा हुआ है, मैं आपको आसान भाषाओं में समझाता हूँ, अगर आप कोई फॉर्म है तो वहाँ पर नाम लिखना है आपको, पहला नाम लिख दिया, फिर बोलते हैं कि सर नेम लिखो, तो आप क्या दबाते हो, टैप दबा के नहीं नेक्स्ट पर पहुँचते हो, पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते। तो प्रत्येक पत्र को द्वारा दर्शाया जाता है टैप के द्वारा, तो एक तरीके से उसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हिंदी में ही पढ़ना है। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन
संख्याओं के समूह की औसत या माध्य मूल्य की गणना करते हैं। यहाँ पर एवरेज पूछा गया है कि अगर आपको एमएस एक्सेल में जो भी फंक्शन दिए हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है, अगर आपको उनका एवरेज निकालना है, उनकी गणना करना है, तो वो किस फंक्शन से करोगे? तो इसका होता है एवरेज फंक्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ फंक्शन जो है वो बहुत तरीके से जो है वो अलग अलग तरीके दिए होते हैं। तो आप फंक्शन देख सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लेना एक बार। ये फंक्शन है एवरेज का, ठीक है। बाकी अगर हम और बात करें जैसे एवरेज का, तो आपको पता ही पड़ेगा एवरेज। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सम सम का फंक्शन किस तरीके से होता है, तो SUM सम का होता है। ये आप फंक्शन देख रहे हो ना, ये सिर्फ इतना लिखा होता है, बाकी यूज करना होता है। अगर किसी भी टेबल दी हुई है उसका आपको एवरेज निकालना है, तो वहाँ पर जो आपको फंक्शन अप्लाई करना है, तो ये सिर्फ आगे का जो दिया हुआ है वो एवरेज एवरेज लिखना पड़ता है, फंक्शन ये नहीं लिखना पड़ता, ये फंक्शन होता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना, ओके। बाकी अगर आपसे पूछ लिया काउंट, काउंट का क्या होता है, देखिए काउंट का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, बाकी ये सभी सही दिए हुए हैं। ये हो जाएगा एवरेज का, ये हो जाएगा सम का, और ये हो जाएगा काउंट का। एक होता है मैक्स, जैसे कि बात की जाए, ये मैक्स होता है, मैक्स फंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट सेल वैल्यू होती है ना, ओके, तो इसको इंक्लूड किया जाता है। मिनी और मिन की बात करें, तो मिन जो रहता है वो लोएस्ट सेल होता है, तो इसकी डिटरमाइन करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये सब जो फंक्शन होते हैं आपको याद रखना है, यही जो है वो यूज किया जाता है एक तरीके से फंक्शन के, ओके। बाकी आप देख लेना, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो वो हम देख लेंगे, ओके। प्रोडक्ट का हुआ, मल्टीपल का हुआ, सब्ट्रैक्टर का हुआ, ओके। तो ये सब जो हैं बहुत सारे मैथमेटिकली जो फंक्शन होते हैं उनका भी यूज करते हैं। जैसे मैथ में ये बात की जाए तो सम, एवरेज, काउंट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूप से एमएस आउटलुक 2016 सभी प्राप्त ईमेल फोल्डर संग्रहित करता है। तो जाहिर सी बात है, जितने भी ईमेल फोल्डर आते हैं वो इनबॉक्स में ही जो है वो जाते हैं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, ये रहा, ओके। तो ये कथन और ये एक तरीके से सवाल है, कथन और क्वेश्चन। देखिए कथन में क्या कहा है, कथनागार में क्या गया, आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में उस कार्ड का नाम पहचानिए जिससे कि आपकी आवश्यकता पड़ेगी, ओके। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है, तो उस कार्ड की क्या, वो कार्ड का नाम क्या होता है वो पूछा गया है। तो इसका नाम होता है नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, ओके, NIC, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म भी लिखा रहता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म का पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है नेटवर्क। आपको, आप डेली अगर लैपटॉप चला रहे हो तो आपको डेली सामने रहता है, पर आप नोटिस नहीं कर पाते कि ये है क्या, इसका नाम क्या बोलते हैं। अगर आप कोई लैपटॉप चला रहे हो या सिस्टम चला रहे हो, तो क्या होता है, आपने इस तरफ जो है ना, इस तरफ देखा होगा, यहाँ पर एक इस तरीके से जो है ये बना होता है, और इसमें छोटी छोटी सी पिन रहती है दरअसल, तो उसे ही जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं दरअसल। और एक केबल होती है जिसके थ्रू वो इसमें अटैच हो जाती है, और दूसरे कंप्यूटर को आपको अटैच करना है तो इसी केबल को दूसरी तरीके से उसमें अटैच कर देते हैं, तो इस तरीके से जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं ये आपस में, तो उसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को ट्रैक और क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर डिस्क की बात की है, तो डिस्क आप मतलब एक सीढ़ी की तरह होती है, सीढ़ी मान के चलो। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें अगर आपको विभाजित करना है तो क्या उपयोग करना पड़ेगा, तो ये होती है फॉर्मेटिंग, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो होती है अलॉटिंग, डिवाइडिंग, ट्रैकिंग, तो ये अलग अलग चीज़ें। ट्रैक क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये कोई हमारी, थोड़ा गोल कर लेते हैं, ये है हमारी सीढ़ी, आपने देखी होगी, काफ़ी चलाई भी होंगी, सीढ़ी होती है पहले। अब इसमें क्या स्लॉट होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं ये ट्रैक होते हैं,
क्योंकि इसी के माध्यम से जो है ये फिल्म जो है वो हम चलाई जाती है। तो अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैं आप देख रहे हो ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये लाल वाला, ओके। तो ये लाल वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रैक सेक्टर, ट्रैक सेक्टर बोलते हैं। अगर आपसे ये पूरा, ये वाला पूरा बोल दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्क सेक्टर, ओके, डिस्क सेक्टर। और ये पूरा, एक पूरा चक्कर लग गया है, तो इसे बोलते हैं ट्रैक। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में और कुछ समझाना है नहीं है, इतना ही जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी और भी होते हैं, क्लस्टर होते हैं। तो क्लस्टर क्या होते हैं? क्लस्टर मतलब होते हैं ये पूरा, मतलब दो चार ले लिए अपना, ये ट्रैक सेक्टर है ना, उनको दो चार को लेके ना ये वो क्लस्टर बोल जाते हैं। सेक्टर पता ही पड़ गया आपको, है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा यानी सूचना को कंप्यूटर में रूप में संग्रहित किया जाता है, तो जो अपना डेटा रहता है वो किस फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है? तो जाहिर सी बात है, फाइल जो रहती है उसके फॉर्म में जो है वो रहता है। डायरेक्टरीज क्या होती है? जिस जगह जो होता है उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी वहाँ जो एक रास्ता होता है, तो वहाँ पर डायरेक्टरी में जमा होता है, तो फाइल के फॉर्म में जो है वो जमा होता है, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2013 में वह बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ या रिबन। रिबन के टैब में दिखाई देता है, ओके। तो अगर आप जैसे ही खोलोगे ना, एक्सेल खोलोगे ना, तो एक्सेल खोलोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? एक होम मिलेगा, फाइल मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा। तो जब आप एक जो एमएस वर्ड खोलोगे, तो वहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, पहले तो मिलता है जो फाइल रहती है वो मिलता है, फाइल को आप सेव करना हुआ, फिर उसके बाद होता है होम होता है ये। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर होम में जाके नहीं, यहाँ पर आपको ये सारे जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लिपबोर्ड हुआ, फॉन्ट हुआ, फॉन्ट यहाँ पर होता है, इसी के यहाँ पर रहता है फॉन्ट, मतलब जो भी आपको चेंज करना रहता है रिमिंटन में या कैलिवरी, है ना, तो ये सब बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं, तो वहाँ से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बगल से ही जो है वो कमांड ग्रुप रहता है, जिससे क्या है कि लेटर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये रहती है रिबन जो रहती है, यहाँ पर रहती है रिबन। तो ये सब होम के पेज में मिलता है, आपको देखा करो, आप अपना देखोगे, डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आएगी, बिल्कुल आपके सामने ही चीज़ें रहती हैं और आप आसानी से जो है वो ऑप्शन लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, व्यावसायिक डेटा को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो जब भी आप कोई भी डेटा जो है वो रो और कॉलम में व्यवस्थित कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसे वर्कशीट बोलते हैं। और इसमें स्प्रेड शीट, सीट एक तरीके से होती है, वर्कशीट हुई, स्प्रेड शीट हुई, तो इसको स्प्रेड शीट बोलते हैं, है ना। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करना होता है, वो ट्रांजेक्शन नहीं करना है, मैं डेटा को क्या करना है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है आपको, तो उसमें जो है वो स्प्रेड शीट होती है, तो उसका यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो डिवीजन डिवाइस में नामांकन प्रबंधक से अधिक डिवाइसों को नामांकित कर सकते हैं, यानी इन विंडोज डिवाइस एनरोल मैनेज कैन एनरोल मोर देन नंबर ऑफ डिवाइस, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइस पूछा गया है, तो ये आप याद रखना, पांच, ओके, पांच से अधिक डिवाइस होते हैं वो नामांकित कर सकते हैं, तो इसमें आपको याद रखना ही है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए कुंजी संयोजक क्या है? तो जब भी आप की कॉम्बिनेशन टू मूव द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस ऑफिस, तो कंट्रोल प्लस होम, आप कभी भी शुरुआती में जाना चाहते हो तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस होम पे जाओगे, तभी तो आप सीधा होम पे पहुंचोगे। होम एक तरीके से पूरा जो भी चीज़ें रहती है वहीं पर रहती हैं, और अगर किसी की कमांड ले रहे हो कंट्रोल करके, नहीं जब आप दबाते हो, जैसे
अब आपको किसी पे कंट्रोल प्लस टैब दबाओगे ना, तो वहाँ पर जो है वो क्या होगा, अलग चीज़ें फंक्शन हो जाएंगी, पर यहाँ पर अपन को क्या पहुँचना है, टेक्स्ट बॉक्स पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्लाइड शो के दौरान एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड एंड डायलॉग बॉक्स को देखने के लिए मुख्य संयोजक क्या है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स इन एमएस ऑफिस की कॉम्बिनेशन, तो कंट्रोल प्लस एस है जो संयोजन करने के लिए जो है वो स्लाइड को, कंट्रोल प्लस एस। तो ये कीवर्ड आपको याद रखनी पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि समझने वाली बात है। इन चीज़ों से जो शॉर्टकट की रहती है ना, वो आप याद कर लीजिएगा एक बार कि इससे ये होता है, इससे ये होता है ना। बाकी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं करते तो आपको याद करनी पड़ेगी। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। बाकी मैंने कंट्रोल की वीडियो भी बनाई है, तो वो आप देख लेना, कुछ नई अगर यहाँ पर और ऐड हो गई हो तो हम देखते ही जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के दाएं किनारे के साथ संरेखित करने की कुंजी संयोजन क्या है। तो ये जो है वो अल्ट प्लस थ्री, ओके, अल्ट प्लस थ्री है। तो इससे जो है वो ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के दाएं किनारे पर जो है वो संरेखित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र मुद्रण के लिए क्या करने की आवश्यकता है, यानी फास्टर प्रिंटिंग ऑफ ग्राफ। अगर आपको किसी भी एक्सेल में फास्टर प्रिंटिंग करना है तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्वालिटी जो है वो चेंज करनी रहती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी, जैसे कि मैं अगर आपने देखा होगा, फ़ोटो देखा होगा, तो अगर आप कोई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अगर देखते हो जो प्रिंट आउट निकाल दे तो वो जल्दी निकल आता है, अगर आप कलर में निकालते हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है जो चार्ट रहता है। तो क्वालिटी प्रिंटेड प्रिंट क्वालिटी ऑफ चार्ट टू ड्राफ्ट क्वांटिटी, तो इस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या है। एडिटर का उपयोग एमएस एक्सेल में मैक्रोस लिखने के लिए किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है। मैक्रोस यानी जो ये जो है वो विजुअल बेसिक जो एडिटर रहता है, तो उसका जो उपयोग है वो एमएस एक्सेल में मैक्रोस के लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी नेटबीन्स हुई, ये टर्बोसी हुई, तो ये क्या है, नेटबीन्स जो होता है जो जावा जावा लैंग्वेज हुई, तो इसमें यूज करते हैं जो जावा। अगर आपने किसी ने पढ़ी हो जावा, तो वहाँ पर जो है वो जो प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर ये किया जाता है। टर्बो सी जो सी लैंग्वेज होती है, तो उसमें यूज किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए, तो ये अलग चीज़ें होती हैं। इक्लिप्स जो इक्लिप्स होती है, ये नेटबीन्स का मतलब उसमें भी जावा ही का यूज करते हैं। तो ये बाकी ये विजुअल जो है वो इसमें यूज किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आप ये जो ऐसा क्रॉस सा निशान बन के आता होगा ऐसा करके, नहीं है ना, कुछ ऐसा ऐसे ही बन के आता है, ऐसा ही इन्फिनिटी जैसा कुछ रहता है, तो वो विजुअल बेसिक का ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में मैक्रोज को रिकॉर्ड करने या देखने के लिए टास्क बार से टैब पर क्लिक करें, तो ये किस पर क्लिक करें। अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना है तो व्यू पर देखना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जो भी आपके चाहने वाले हैं, तो खासकर उनमें शेयर जरूर कर लिया करो जिनका आप भला चाहते हो। बाकी आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपकी प्रतिक्रिया जो है वो, आपका इम्प्रेशन किस तरीके से पड़ता है इस वीडियो पे, क्या सोचते हो, तो वो आप सभी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।